हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एहसन और दोस्तों मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलंकार प्रॉपर्टी में। दोस्तों, इस बार हम आ चुके हैं लखनऊ के एक और बहुत बेहतरीन एरिया में दोस्तों, जिसका नाम है फैजुल्ला गंज। फैजुल्ला गंज में दोस्तों डिमांड आ रही थी कि फैजुल्ला गंज में जो है मकान दिखाएं, क्योंकि दोस्तों ये जो एरिया है लखनऊ के बिल्कुल बीचों बीच आता है। अगर हम चार बाग से बात करें तो चार बाग से मान लीजिए मात्र ये 7 किलोमीटर की दूरी पे, कैसर बाग से जो है सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पे दोस्तों ये एरिया जो है लगता है। और अगर हम यहाँ पे नियर बाई की बात करें तो अपना लॉन जो है यहाँ से मात्र मान के चलिए सिर्फ 50 मीटर की दूरी पे है। मामा कॉलोनी फैजुल्ला गंज लखनऊ दोस्तों जो है इस एरिया का जो है नाम है। और जो हम आपको मकान विजिट करा रहे हैं दोस्तों, इस टाइम जो है हम उसकी छत पे खड़े हैं। अभी आपको जो है पूरी लोकेशन दिखाएंगे। छत से जो है आप एक बार पूरी लोकेशन देख लीजिए। चारों साइड में जो है यहाँ पे मकान बने हुए हैं दोस्तों, देख लीजिए। बिल्कुल डेवलप एरिया है और जो है बिल्कुल घना एरिया जो है ये। और यहाँ पे दोस्तों एक चीज हम आपको पहले क्लियर करना चाहते हैं, ये जो मकान है दोस्तों 1000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। 2100 स्क्वायर फीट जो है इसका कवर्ड एरिया है दोस्तों। 5 BHK का पूरा कंप्लीट सेट है। 4 जो है इसका आपको इसके अंदर वॉशरूम मिल रहे हैं, 2 जो है आपको इसके अंदर किचन मिल रहे हैं दोस्तों। इस मकान की जो रेट है वो है मात्र 38 लाख रुपए। अब हम चलिए आपको जो है इसकी लोकेशन एक बार दिखाते हैं, फ्रंट से पूरी आपको लोकेशन दिखाते हैं। पीछे की लोकेशन आपने देख ली, आगे से जो है एक बार देख लीजिए। ये दोस्तों जो है इसका फ्रंट है, फ्रंट से ये देखिए सब साइड में जो है यहाँ पे मकान बने हुए हैं। इस तरफ देखिए और इस तरफ भी पूरे में जो है यहाँ पे मकान बने हुए हैं दोस्तों। ये एरिया जो है लखनऊ का बहुत फेमस है और बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। यहाँ पे जो आप खाली प्लॉट देख रहे हैं दोस्तों, इसमें भी जो है बहुत जल्दी मकान बन जाएंगे। ये मकान 5 BHK दोस्तों बना हुआ है, ये जो है मिल जाएगा मात्र आपको 38 लाख रुपए में। अब हम चलते हैं नीचे, नीचे से जो है आपको पूरा मकान विजिट कराते हैं। मकान का एलिवेशन जो है आप एक बार देख लीजिए दोस्तों, 2 मकान जो है मिल जाएंगे। और ये जो मकान है दोस्तों पूरा फेस के हैं, देखिए कितना खूबसूरत, काफ़ी हैवी है। अगर हम इसके लंबाई चौड़ाई की बात करें दोस्तों, 22 बाई 45 जो है आपको मिल जाती है इसकी लंबाई चौड़ाई। सामने जो है आपको मिल रही दोस्तों 20 फीट की। ये रोड रोड दोस्तों कच्ची है, आप लेने के बाद खुद अपने घर के सामने बनवाना चाहें तो बनवा देंगे, नहीं तो बहुत जल्दी जो है यहाँ पे रोड भी बनने वाली है दोस्तों। और इसमें जो है 2 गेट दिए गए, एक गेट तो आपको ये मिल जाता है दोस्तों पार्किंग वाला गेट, यहाँ से जो है आपकी गाड़ी खड़ी हो जाएगी। एंट्री आपको इधर से करना है तो उधर से भी कर सकते हैं। एक गेट जो है आपको यहाँ पे एक छोटा सा गेट मिल जाता है कि आपको पैदल आना जाना है तो बड़ा गेट ना आपको ना खोलना पड़े, इस धीरे से जो है आप एंट्री कर लीजिए दोस्तों। तो हम लोग इस तरफ से एंट्री करते हैं, इधर का एरिया भी जो है आपको दिखाएंगे। इधर से हम लोग चलते हैं। इस मकान में जो है पूरे मकान में जो है यहाँ पे पत्थर मार्बल का यूज किया गया है, जो कि काफी अच्छे और काफी कॉस्टली भी होते हैं। एक बेहतरीन जो है यहाँ पे आपको साइज मिल जाता है, इधर आपकी कार खड़ी हो जाएगी, 2-3 बाइक के बीच जो है वहां पे आराम से खड़ी हो जाएंगी। एक वॉश बेसिन जो है आपको इसमें लगा के दिया जा रहा है। और अब हम इसके अंदर जब आते हैं तो इसमें से जब हम एंट्री करेंगे तो ये आपको मिलता है पहले इसका डाइनिंग एरिया। ये देखिए दोस्तों, मकान जो है काफ़ी दिनों से बंद पड़ा था, थोड़ी इसके अंदर सफाई नहीं हुई है, लेकिन आप ये समझ लीजिए फैजुल्ला का जो लखनऊ का बेहतरीन एरिया है, चारबाग से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पे, बहुत अच्छे एरिया में, और 5 BHK मकान सिर्फ और सिर्फ आपको मिल रहा है दोस्तों 38 लाख रुपए में। लोन सुविधा जो है यहाँ पे उपलब्ध है। छत देखिए, छत पे जो है POP बनी हुई है और इस दीवार में जो है पेंट किया गया है। जब आप लेंगे दोस्तों इस मकान को बुक करेंगे तो इसमें जो है पेंट पूरा जो है फिर से करा दिया जाएगा। फर्श देखिए, इसमें जो है यहाँ पे मार्बल का यूज किया गया है। यहाँ पे दोस्तों आपका सोफा भी आ जाएगा और यहाँ पे जो है आपकी डाइनिंग टेबल भी आ जाएगी। ये जो है दरवाजा है, ये जो है सेकेंड एंट्री का भी आपको दिखाएंगे। ये जो है आपको मिल रहा है इसका किचन, L-शेप का जो है यहाँ पे किचन बना हुआ है। किचन जो है दोस्तों ऐसा ही रहेगा, आपको लेने के बाद मॉड्यूलर करवाना है तो आप करवा सकते हैं, बिल्डर की तरफ से जो है ये आपको ऐसे ही दिया जाएगा। मकान जो है कंप्लीट है, इसमें टोटी लगी हुई है, सिंग लगी हुई है, यहाँ पे भी जो एक स्लेप एक ढली हुई है। और इस तरफ से आइए दिखाते हैं, अगर आप उधर वाले गेट से एंट्री करेंगे दोस्तों, जब आप वाले गेट से एंट्री करेंगे तो एक आपको ये जो है एक आपको ये मिल जाता है दोस्तों बाथरूम टॉयलेट, आप जो है इसको कह सकते हैं। ये आपको टॉयलेट मिल जाता है दोस्तों, नहाने वाला नहीं, सिर्फ इसके अंदर जो है एक इंडियन सीट लगी है, इस पे जो है पेंट हो जाएगा। लोहे का गेट है, इस पे पेंट होना है। ये जीने के नीचे जो है आपको स्टोर रूम मिल रहा है, खाली छोड़ने से बढ़िया था, इसमें दरवाजा लगा दिया, कोई भी घर का सामान आपको रखना है तो इसमें रख सकते हैं। और जीने भी जो है आपके इधर से दिए गए, ये मकान दोस्तों इस हिसाब से बनाया गया है। अगर आपको रेंट आउट करना है, नीचे का जैसे बना है सेम टू सेम जो है ऊपर का भी ऐसे ही बना है। उधर से आप एंट्री करके दोस्तों अपना एंट्री कर सकते हैं, या डोर बंद कर देंगे, ये छोड़ देंगे एरिया किराएदार के लिए, उसकी बाइक जो है यहाँ पे खड़ी हो जाएगी, लेटरिन बाथरूम इसका ये हो जाएगा, बाकी ऊपर भी लेटरिन बाथरूम बने हुए हैं, यहाँ से जो है वो अपना ऊपर चला जाएगा, किसी तरह की किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों ये हो गया डाइनिंग एरिया प्लस किचन की बात।
नीचे जो है आपको दो बेडरूम मिल रहे हैं, एक बेडरूम ये वाला, एक ये वाला। आइए ये वाला दिखाते पहले आपको। पूरा मकान दोस्तों पिलर पे बना हुआ है, काफी मजबूत और काफी खूबसूरत मकान है। काफी दिनों से दोस्तों ये मकान बंद पड़ा था, ऑनर जो है इसके लखनऊ में नहीं थे। तो जब आप ये मकान लेंगे, इसमें जो भी फिनिशिंग है, जो ये इसमें मार्बल लगे हैं दोस्तों, अभी जो इसमें घिसाई नहीं हुई है, अभी फिनिशिंग नहीं हुई है, अभी इसमें फिनिशिंग होगी, पूरे में घिसाई होगी, पेंट होगा पूरे मकान में, जहां जो कमी दिख रही है आपको कंप्लीट करके जो है ये दिया जाएगा। अच्छा खासी बढ़िया साइज मिल जाता है। अगर हम इसके साइज की बात करें, मान के चलिए 15 बाई जो है 12 आपको इस बेडरूम का जो है साइज मिला जा रहा है। छत पे जो है फॉल सीलिंग बनी हुई है, छत पे जो है आपको फॉल सीलिंग मिल जाती है, इस तरफ जो है आपको विंडो मिल जाती है वेंटिलेशन के लिए। यहाँ पे जो है ये एक विंडो है, ये विंडो है, और एक अटैच बाथरूम जो है आपको ये मिलता है। ये देखिए बेहतरीन बाथरूम जो है बिल्कुल कंप्लीट है, वेस्टर्न सीट के साथ टोटी जो है सारी चीजें जो है इसमें लगी हैं और बिल्कुल कंप्लीट है। और इस तरफ जो है आपको मिल रहा है इसका ओटीएस, ये दोस्तों इसका ओटीएस है, बढ़िया साइज इसका भी मिल रहा है ठीक ठाक। यहाँ पे जो है वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, इसके ऊपर जो है जाल लगा हुआ है। याले बेडरूम में जाने के लिए दोस्तों इधर से भी रास्ता दिया हुआ है और उधर से भी दिया, चाहे आप इधर से जाइए चाहे आप उधर से जाइए कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। आइए हम इधर से अंदर चलते हैं, इस तरफ से हम लोग अंदर जा रहे हैं और इधर भी दरवाजा दिया, इधर से भी अंदर आ सकते हैं। ये जो डोर है ओटीएस में जाने के लिए, इसका साइज भी आपको दोस्तों 12 बाई और 12 बाई 15 जो है आपको इसका साइज भी मिला जा रहा है। इसकी छत पे भी फॉल सीलिंग बनी हुई है, बैक साइड में जो वॉल है उसमें देखिए डिजाइन भी बनी हुई है। ये सब चीजें जो है चेंज हो जाएंगी, पेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और एक जो है बाथरूम आपको इसमें भी मिल जाता है। ये मान के चलिए दोनों बेडरूम जो है आपके ये मास्टर बेडरूम है, दोनों में आपको अटैच बाथरूम मिल रहा है। उसमें लगी थी वेस्टर्न सीट और इसमें लगी है इंडियन सीट। ये किचन है, एक बेडरूम ये है और एक बेडरूम जो है ये है, ये आपको मिल जाता है। इसका डाइनिंग एरिया, उस साइड में जो है पार्किंग है, सेम टू सेम ऊपर का भी ऐसे ही बना है। पार्किंग का जो स्पेस है उसकी जगह पे जो है कमरा कर दिया गया है, बाकी सब कुछ ठीक है। इसके जीने पे देखिए दोस्तों मार्बल का यूज किया गया है, यहाँ पे लगी स्टील वाली रेलिंग। सबसे अच्छी बात यह है जीने की चौड़ाई दोस्तों बहुत ज्यादा है, कम से कम मान के चलिए जीने की जो चौड़ाई मिली आपको मिल रही है 4 फीट की, 4 फीट जीने की चौड़ाई मिल जा रही है। कोई भी सामान आपको लेके जाना है बहुत आराम से जा सकते हैं। यहाँ पे आपको विंडो मिल रही है दोस्तों, इससे जो रोशनी आपको बहुत प्रॉपर जो है इस एरिया में मिलती रहेगी। यहाँ से हम आगे ऊपर रेंट आउट करने के हिसाब से दोस्तों बहुत बेहतरीन है। जैसा मैंने बताया 2100 कवर्ड एरिया है, नीचे का भी पूरा है बना हुआ और ऊपर का भी पूरा बना है। फिर जीने दिए आपको ऊपर जाने के लिए, ऊपर जो है पम्पटी है। इसमें जब हम एंट्री करते हैं सबसे पहले आपको मिलता है किचन, जैसे आपने नीचे किचन देखा था इसी के नीचे जो है नीचे वाला किचन दिया है। ये आपका बिल्कुल किचन हो गया। इस साइड में आपको मिल जाता है ड्राइंग कम डाइनिंग स्पेस, यहाँ पे आपकी सोफा आ जाएगा, यहाँ पे आपकी डाइनिंग टेबल आ जाएगी, दो बेडरूम ये मिलते हैं। ये जो नीचे है आपको ये दिया गया था नीचे वाला पार्किंग का स्पेस, यहाँ पे गेट लगा था ये पार्किंग थी, उसी को जो है यहाँ पे बेडरूम कर दिया गया है और काफी बड़ा बेडरूम है। हम इसके साइज की बात करें कम से कम 15 बाई 13 जो है दोस्तों इसका साइज है। फॉल सीलिंग जो है इसके ऊपर भी आपको मिल जाएगी और मकान जो है बिल्कुल रेडी टू मूव है। जब आप इस मकान को लेकर बुकिंग करेंगे, टोकन करेंगे, तो ये मान के चलिए लोन जब तक होगा ये मकान में जो छोटी मोटी कमी है वो कंप्लीट हो जाएंगी। अब आइए बालकनी से आपको दिखाते हैं। ये मकान की जो है बालकनी है, ये बढ़िया बालकनी मिल रही है आपको 3 फीट की। ये इसका जो है पूरी लोकेशन है, यहाँ से साइकिल जा रही है दोस्तों। ये जो है 25 फीट की मेन रोड है, 25 फीट पास है, बाद में जो है चौड़ी हो जाएगी, अभी इतनी है। तार बिजली वाले देख लीजिए बिल्कुल यहाँ पे खींचे हुए हैं, ऑलरेडी जो है लोग रहते हैं, शिफ्ट हैं दोस्तों। बहुत बेहतरीन लोकेशन है, कैसर बाग से जो है सिर्फ 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, 4 बाग से जो है सिर्फ आपका 7 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। एक बेडरूम ये है, एक बेडरूम ये है। आइए आपको बेडरूम वाला दिखाते हैं। बेहतरीन बड़ा साइज आपको इसका भी मिल जाता है दोस्तों, देख लीजिए 1000 स्क्वायर फीट में आपने इतने बड़े बेडरूम नहीं देखे होंगे। 15 बाई 12 जो है आपको इसका साइज भी मिलता है। इधर जो है डिजाइन आपकी बनी हुई है, पूरे ही मकान में छत पे जो है फॉल सीलिंग बनी हुई है दोस्तों। और इसमें भी आपको एक अटैच वॉशरूम मिल रहा है, चारों बेडरूम से जो है अटैच आपको वॉशरूम मिल रहा है। दिखा दीजिए इसको, अटैच वॉशरूम इसमें मिल रहा है। इसमें जो है इंडियन सीट लगी है और ये है ओटीएस, ये ओटीएस है। यहाँ पे आपको जो है एक वॉश बेसिन मिला जा रहा है, ये लगा है जाल और इसके ऊपर जो है फिर लगा हुआ है जाल, इसके ऊपर फिर जाल लगा है। और यहाँ देखिए दोस्तों ये लगा हुआ है, इसको आप ऐसे करके बंद कर देंगे तो मच्छर भी नीचे नहीं आएंगे। इधर से भी एंट्री दी है, इधर से एंट्री करेंगे तो एक वॉशरूम आपको जो है ये भी मिल जाता है, एक वॉशरूम ये भी है। इसमें भी जो है आपकी कमोट वाली सीट लगी है।
दोस्तों जो दोनों बेडरूम, चारों बेडरूम से अटैच वॉशरूम है, उसमें से दो में इंडियन सीट लगी है, दो में वेस्टर्न सीट लगी है, और जो मैंने छोटा वाला गेट दिखाया था उसमें आप जैसे ही एंट्री करेंगे तो एक जो है टॉयलेट आपको और मिल जाता है, उसमें जो है आपकी इंडियन सीट लगी, कोई भी गेस्ट आएगा तो वाला यूज कर सकता है। इसकी छत देखिए, पूरे मकान में जो है छत पर फॉल्स सीलिंग बनी है, इस तरफ जो है दीवार में बेहतरीन जो है डिजाइनदार पेंट हुआ है, पूरे ही मकान में जो है यहाँ पे पत्थर का यूज किया गया जो कि काफी कॉस्टली और काफी मजबूत होते हैं, टाइल्स टूट जाते हैं लेकिन ये जो है टूटते नहीं है। बेडरूम का साइज भी दोस्तों काफी बड़ा बड़ा है, 12 बाई 15 का जो है आपको बेडरूम का साइज मिल जाता है, हर चीज जो है अच्छी है दोस्तों। तो ये हो गया पूरा घर की बात, ऊपर से भी चल के आपको एक बार लोकेशन दिखा देते हैं। इधर जीने से दोस्तों, जीने भी जो है काफी चौड़े दिए हैं, जीने की चौड़ाई लगभग 4 फीट की जो है आपको मिल जाती है। जब जीने चौड़े होते हैं तो मकान जो है देखने में थोड़ा सा और खूबसूरत लगता है। यहाँ पे भी आपको विंडो दी गई है रोशनी के लिए। फिर हम इधर से ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे ओटी, ये आपका ममटी है दोस्तों, इसको जो है ये समझ लीजिए स्टोर रूम है, कोई सामान जो है आराम से यहाँ पे रख सकते हैं। और ये है छत दोस्तों, वीडियो की स्टार्टिंग जो है हमने छती से करी थी, तो इस मकान से जुड़ी जो है सारी जानकारी आपको मिल चुकी है दोस्तों। इस मकान के जो रेट हैं वो है 38 लाख रुपए। विजिट करने के लिए नीचे नंबर दिया गया है। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम मिलते हैं आपसे जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में।